सफलता की कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, सफलता की कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, जहाँ कोई कार रुक जाए वहाँ पहले हाजिर है, जहाँ कोई कार रुक जाए वहाँ पहले हाजिर है। अगर हम सर की मेहनत की बात करें तो कॉलेज में कतन कर भी जिनकी मेहनत से वाकिफ है, कॉलेज में कतन कर भी जिनकी मेहनत से वाकिफ है, ऐसे आचार्य जी से आज महफिल में ये रौनक है, ऐसे गुरुदेव जी से आज महफिल में ये रौनक है। अब हम सर के स्वभाव की बात करते हैं। वैसे तो थोड़े से कड़क है पर फिर भी न भावों में कुटिलता है न बातों से ये काफिर है, न भावों में कुटिलता है न बातों से ये काफिर है, संकटों को भगाने में यहाँ से सबसे शातिर है, संकटों को भगाने में यहाँ जो सबसे शातिर है। Now this is for all the teachers, the teachers who sir को की सीखना चाहिए। अगर थामो हाथ तुम इनका तो बिगड़ी बात बन जाए, अगर थामो हाथ तुम इनका तो बिगड़ी बात बन जाए, भूल भटके मुसाफिर को उसकी मंजिल भी मिल जाए, भूल भटके मुसाफिर को उसकी मंजिल भी मिल जाए। और ये जो सर के ज्ञान की बात करते हैं, सर प्लीज गुस्सा करियो, मेरी लाइन जल्दी रही थी। ज्योग्राफी के टीचर है मगर साइंस भी आती है, ज्योग्राफी के टीचर है मगर साइंस भी आती है, प्रिंसिपल है ये कॉलेज के मगर पॉलिटिक्स भी भाती है, प्रिंसिपल है ये कॉलेज के मगर पॉलिटिक्स भी भाती है। YouTube से ये लेते हैं नॉलेज हर एक चीज की, YouTube से ये लेते हैं नॉलेज हर एक चीज की, शेयर करते हैं ये वीडियोस लेकर विदाउट फीस जी, शेयर करते हैं ये वीडियोस लेकर विदाउट फीस जी। Now this is for everyone, रिटायरमेंट है ये आपकी मगर त्योहार हमारा है, रिटायरमेंट है ये आपकी मगर त्योहार हमारा है, खुशियों की चमक लेकर चमकता हर एक चेहरा है, खुशियों की चमक लेकर चमकता हर एक चेहरा है, न स्वर का ज्ञान है मुझ में टूट शब्दों का सहारा है, न स्वर का ज्ञान है मुझ में टूट शब्दों का सहारा है, खुशी से झूम लो यारो कल का क्या ठिकाना है, खुशी से झूम लो यारो कल का क्या ठिकाना है। तो मैं उस एंड एक शेर से करती हूँ, चिरागों की लो से चिरागों की लो तक, चिरागों की लो से चिरागों की लो तक, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, बहुत दूर तक रात ही रात। हवाओं में एक शोर होगा, हवाओं में एक शोर होगा, आप ही का नाम हर ओर होगा, आप ही का नाम हर ओर होगा। वो पलटते नहीं गुजरे हुए जमाने फिर भी, वो पलटते नहीं गुजरे हुए लम्हे फिर भी, बीती हुई यादों के निशान रह जाते हैं, बीती हुई यादों के निशान रह जाते हैं। सभी मोजिस को सबसे पहले मैं इस खास दिन पर खुशामदीद कहना चाहती हूँ। आज वो दिन आ ही गया जिसके बारे में हम तकरीबन एक महीने से बात कर रहे थे। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, यहाँ हम सब आपके आने वाले दिनों की खुशियों की ख्वाहिश के लिए मौजूद हैं। हम सब
आपके लिए खुशगवार और मुकम्मल रिटायरमेंट चाहते हैं। रिटायरमेंट जिंदगी का एक तरीका होता है जो आपको ये बताता है कि वो वक्त आ गया है, कि वो वक्त आ गया है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने खानदान को अपने काम से ज्यादा वक्त दें और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारें। तो ना प्रिंसिपल साहब ने हमारे साथ जो हमारा पूरा लास्ट ईयर था पूरा बजट दिया है, उसमें हमने इनसे बहुत सी चीजें सीखी। इनका रिश्ता हमारे साथ कुछ ऐसा था कि जैसे एक दोस्त का होता है, एक सरपरस्त का होता है, एक इन्होंने हमें हमेशा गाइड किया। इन्होंने हमारे जो उससे पहले जो हमारे सीनियर थे उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे हमारी बहुत सारी जो पार्टी हुई उनको यादगार बनाया, जो आपके साथ लंबे गुजारे वो हमेशा यादगार रहेंगे। तो उसके लिए आपके पीछे कहूँगा विद्यार्थी बोल रहे कोई पुराने तो पुराने फिल्म भी तुम इन्हों को पूछ सकते हो कि उनका कहड़ा गाना है, कहड़ा एक्टर है, कहड़ा विद्यार्थियों को लेके भी बहुत चिंता करते हैं कि विद्यार्थी जरा क्विक है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। पहली गल करन दी लॉजिकल थिंकिंग, करन दी टेक्निकल नॉलेज, ओही नॉलेज करके अज मैं बाहर पढ़ रहा हूं ते उत्थे भी जब मेनू मेरे प्रोफेसर पूछ रहे होंदे कि तन्नू एक्स्ट्रा नॉलेज कित्थों मिली है, तू कित्थों तन्नू पता लग्या, तां मैं उन्हां नूं कहिंदा कि मेरे फादर करके, तो कहिंदे तेरे बाबा इंजीनियर ने, मैं कहिंदा नहीं, उन्हां दा इंटरेस्ट है जीवन विच, ते इहनां दी क्यूरियोसिटी करके बैठे कालिया साहब, डॉक्टर गरेवाल, प्रिंसिपल परमिंदर साहब, डॉक्टर जेपी साहब, मेरे सारे फैमिली मैंबर्स, स्टाफ मैंबर्स, मेरे बहुत ही प्यारे उन्होंने बच्चे जो टीचर बन जा रहे हैं उन्होंने मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने अज इस रिटायरमेंट पार्टी के जो रंग बनया है स्पैशली उन्होंने बच्चों की जहाँ ने इतने अरेजमेंट भी किया, स्पैशली उन्होंने बच्चों की जहाँ ने कि इतने अपनी परफॉर्मेंस दी जो कि मेरे एक जिंदगी का एक यादगार हिस्सा बन के मेरे हाल ही रहेगा, क्योंकि मैं जिस तरह थोड़ा गया भी जिंदगी के अपने जो कोई भी तुम काम करते हो तो इस तरह का करो कि जो एक यादगारी बन के रहे, एक मिठी याद के रूप में रहे कि मम्मी तुम याद करा तो तुम भी मैं किसी ना किसी बहाने याद करो। सो पहली गल मैं ये यही कहना चाहूँगा कि जोड़े भी ये काम होगा ने ये बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर प्रिंसीपल परमिंदर सिंह जी का भी है, क्योंकि इन्होंने भी एक जज्बा है कि कोई भी काम जो है अधूरा नहीं रहना चाहिए, मैक्सीम काम करो,
क्योंकि आम जो है एक गल कही गई हैगी है कि कहते भी जिंदगी में अपना हर एक किरदार इस खूबी से निभाते चलो, जिंदगी में अपना हर एक किरदार इस खूबी से निभाते चलो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहेंगी।